शुरुआत दारा लैंडफॉल से करते हैं। चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल जारी है। रात 12:45 पर उड़ीसा के भद्रक जिले के धामरा में दाना का लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल के दौरान इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उड़ीसा बंगाल में इस वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। दाना तूफान के टकराने के बाद उड़ीसा के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से रास्ते प्रभावित हैं, बंद हो गए। वहीं तेज हवाओं से जो होर्डिंग्स हैं वो टूट गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल पूरा होने के बाद तटीय इलाकों में और तेज बारिश हो सकती है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तूफान दाना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के यहां तमाम उपाय किए गए हैं। NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीमें तूफान प्रभावित इलाके में तैनात हैं। एहतियात के तौर पर उड़ीसा के 14 जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। तूफान की वजह से बंगाल और उड़ीसा में 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दाना चक्रवात का जो लैंडफॉल है, चूंकि वो उड़ीसा में हुआ है, अब उसका जो असर है वो आप देख सकते हैं। 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया था कि तेज बारिश भी होगी। और कुछ उसी तरह की तस्वीरें, उसी तरह का मंजर यहां देखने को मिल रहा है। आप इन पेड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज है, बारिश भी वहां पर हो रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि दाना के लैंडफॉल के बाद से ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात, क्योंकि चक्रवात का लैंडफॉल यहां पर हुआ है। और यही कारण है कि अब उसका असर भी पहले भी दिख रहा था, जब लैंडफॉल हुआ तब भी तेज हवाएं चल रही थी, और उसके बाद जो पोस्ट इफेक्ट है वो भी आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है, और यही कारण है कि एहतियात के तौर पर आसपास जो समुद्र से लगते हुए इलाके हैं, ज़िले हैं, वहाँ लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। 10 से 12 लाख लोगों की संख्या बताई जा रही है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर, जहाँ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। NDRF, SDRF और लोकल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसकी तैनाती मौके पर कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम लोग इस वक्त है ओडिशा का धामरा में, धामरा और भीतरकनिका, इसी के बीच ये लैंडफॉल होने वाला था। तो जो ये लैंडफॉल का प्रोसेस है, ये प्रोसेस लगभग शुरू हो चुका है। जैसे कि मौसम विभाग से कहा गया था कि रात के 12:30 के बाद से ये लैंडफॉल का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि अभी करीब 1 बज रहा है, तो ऐसे कि देखा जा रहा है कि ये लैंडफॉल का प्रोसेस जो है ये शुरू हो चुका है। काफ़ी तेज रफ्तार में यहाँ पर हवाएं बह रही है। मौसम विभाग की जानकारी जैसे कि दिया गया था कि जब ये दाना टकराएगी तो इसका लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं बहेगी। तो ऐसे कि जैसे कि देखा जा रहा है कि हवा काफ़ी तेज हो चुका है, साथ में बारिश भी है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये प्रोसेस जारी रहेगा सुबह तक, यानी कि 25 तारीख सुबह तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। और सबसे ज़्यादा असर इसमें उड़ीसा पे पड़ेगा, उड़ीसा का भद्रक जिला और कई डिस्ट्रिक्ट में भी ये इसका असर देखने को मिलेगा। हम लोग इस वक्त धामरा में है और धामरा में लगभग यहाँ पर खड़े रहना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी तेज हवाएं इस वक्त चल रही है। रात के करीब 1 बज रहा है अभी। तो जैसे कि देखा जा रहा है जो लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। और ये इसकी साथ साथ ओडिशा में जैसे कि ये हवाएं चलनी शुरू हुई है, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी हवाएं चलनी शुरू हुई है, ऐसे ही खबर अभी तक मिल रही है। तो जैसे कि अभी इस वक्त धामरा में जैसे देखा जा रहा है कि लैंडफॉल का जो प्रोसेस, जैसे कि मौसम विभाग ने कहा था कि तेज हवाएं बहेगी, ये हवाएं कहीं ना कहीं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, तो ये प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। तो इस प्रोसेस में जैसे कि देखा जा रहा है, जितने भी टाइम आगे जा रहा है तो उतने भी हवाएं बढ़ रही है, इसके साथ साथ इसके बारिश भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो पा रहा है। हम लोग इस वक्त धामरा में है और धामरा में लगभग अनुमान यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल है।
मेरे सहयोगी की ये तस्वीरें और ये जो आप अपडेट देख रहे थे, ये धामरा से देख रहे थे, उस वक्त का अपडेट है जब लैंडफॉल का प्रोसेस चल रहा था रात के 1 बजे का, जो अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में चक्रवाती तूफान दाना लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। दाना तूफान का रूट मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट डिजास्टर की टीम तूफान के असर को देख रही है, तो आप देख सकते हैं कि जो दाना तूफान है वो कितना असर छोड़ रहा है और उसका जो रूट मैप है, यानी कि कहां कहां उसका लैंडफॉल होगा, किस रूट से होते हुए वो आगे बढ़ेगा, वो इस रूट मैप के जरिए दिख रहा है। उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये वो इलाके हैं जहाँ इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। जो तटीय इलाके हैं वहाँ इसका असर ज़्यादा है और जो तटीय इलाकों से लगते हुए इलाके हैं वहाँ पर भी इसका असर है। तो इस रूट मैप के जरिए ज़रा आप समझिए कि किस तरह से जो दाना तूफान है उसका लैंडफॉल हो रहा है और कितने एरिया को दरअसल वो इम्पैक्ट कर रहा है। और जब इम्पैक्ट करता है तो बहुत तेज़ रफ्तार से हवाएं चलती हैं, बारिश की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है और वही अब इस प्रोसेस में देखने को मिल भी रहा है। जैसा कि ओंकार सरकार बता रहे थे जो धामरा में मौजूद थे, 12:30 बजे के बाद का मौसम विभाग की तरफ से वक्त जारी किया गया था। ठीक 12:45 पर दाना तूफान का लैंडफॉल होना शुरू हुआ और जब वो लैंडफॉल होता है, जैसे एक चक्री घूमती है, उस चक्री में जो आई होती है तूफान की वो चारों तरफ घूमने लगती है और उसके रेडियस में जितना इलाका आता है वो सारा इम्पैक्टेड होता है। जितना सेंटर में इलाका आएगा उतना ज़्यादा इम्पैक्टेड और जो बाहरी दिशा की तरफ इलाका आएगा वो सेंटर से थोड़ा कम इम्पैक्टेड होता है। लेकिन अगर आप सोचिए 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं, जो बाहरी आउटर सर्कमफ्रेंस में भी एरिया आएगा उस दाना तूफान की आई के, वो भी कितना ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। और यही कारण है कि प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हुई हैं। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए एहतियातन 3 दिन पहले से ही कह दिया गया था और साथ ही जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, रात से ही कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, बारीकी से मॉनिटरिंग कर रही हैं। यही हाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री का भी है, वहां पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वो भी कंट्रोल रूम में रात से ही मौजूद हैं और इस पूरे तूफान की डीपली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोशिश दोनों की तरफ से यही है कि कम से कम नुकसान हो, किसी तरह का जानी नुकसान ना हो, क्योंकि जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, खासकर तूफान का लैंडफॉल होता है, तो करने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, गुंजाइश कुछ होती नहीं है, बस इंतजार ही किया जा सकता है कि जैसे ही ये लैंडफॉल खत्म होगा उसके बाद किस तरह से वापस फटाफट स्थिति को बेहतर किया जाए। अब जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, 120 की रफ्तार से जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उससे जो सबसे नज़दीक जो तटीय एरिया है जहां पर आए भी इस तूफान की बनी है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है, तो पेड़ वहां पर गिरने की संभावना होती है, बारिश होती है, हवाएं चूंकि बहुत तेज़ चलती हैं तो ऐसे में जो मकान कच्चे हैं उनको नुकसान ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि यहाँ सड़कें प्रभावित हैं, ट्रैफिक प्रभावित है, जो बंगाल का एयरपोर्ट है, जो उड़ीसा का एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो विमान सेवाएं हैं उनको रोक दिया गया है, बहुत सारी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। इसके अलावा बीते कल रात 8 बजे से जो लोकल मेट्रो सर्विसेज हैं राज्यों में उनको भी बंद कर दिया गया है। रात के करीब 1 बज रहे हैं और लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। सूर्यवंशी सूरज हमारे साथ है, उनसे सीधा बात करेंगे। सर, लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या शुरू हो चुका है? बिल्कुल, लैंडफॉल का प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है। वो जो रेडर में जो दिख रहे थे आप, जो मैप, जो डायग्राम दिख रहे थे, वो धीरे 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 तट के नज़दीक आ रहा है। तो विंड स्पीड अभी हम बोट से बात कर रहे थे, अभी 104 पे चल रहा है और धीरे धीरे ग्रेजुअली 1-2 घंटे में ये 110, 115 या फिर 120 से तक पहुँच सकता है। तो अभी हमारा जो प्रोटोकॉल था वो प्री साइक्लोनिक प्रोटोकॉल था, पोस्ट साइक्लोनिक प्रोटोकॉल है और साइक्लोन के दौरान जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वही प्रोटोकॉल को, वही SOP को हम फॉलो कर रहे हैं। जितने भी NDRF टीम है, ODRAF टीम है, वो सब तैनात है। कहीं पे भी कुछ मिसाब होता है वो फौरन तुरंत जाके वहाँ पर पहुँचेंगे और हम भी जो जोनल ऑफिस है वहाँ पर भी हमारा ऑफिसर लोग
तैनात हुए हैं। आधा घंटा पहले ऑनरेबल सीएम साहब के साथ मेरा बात हुआ था, वो भी सोए नहीं जगे हुए रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं। से क्या क्या बातचीत हुआ आपका? सीएम साहब पूछ रहे थे कि जो हमारे ज़िले में 700 से ज़्यादा शेल्टर है, वो शेल्टर में कितना लोग रहे। हम 37,000 टारगेट किए थे, 3-4 हज़ार लोग ज़्यादा आए हैं, जो कि अच्छी खबर है। लगभग 40,000 लोग आ चुके हैं, 40,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, और उन लोगों के लिए खाना पीना इसका बंदोबस्त, और कल सुबह के लिए ड्राई फ्रूट, कल सुबह पहली चीज़ क्या होना चाहिए। हम लोग जितने भी वो जो शेल्टर में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स डेप्यूट हैं, उन लोगों के साथ हम कर रहे हैं वीसी कर रहे हैं 6 बजे वीसी के माध्यम से। अगर कम्युनिकेशन लाइन ठीक रहा, पावर लाइन ठीक ठाक, पावर लाइन तो ठीक रहेगा ही 120 हवा में कम्युनिकेशन लाइन ठीक रहा तो हम 6 बजे वीसी के जरिए हम पूरा स्थिति का जायजा मुआयना करा सकते हैं। यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह पे दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एक है पोर्ट और दूसरा आपका भीतरकनिका के नज़दीक जो है वो है रिजर्व फॉरेस्ट। तो इनको बचाव के लिए आप क्या क्या योजना किए हो? देखिए, हम 2 दिन पहले ये पोर्ट का पूरा सिस्टम क्या है, वो लोग क्या SOP फॉलो कर रहे हैं, इसका मुआयना किए थे, इसका रिव्यू किए थे। हमारा पहला प्रायोरिटी था जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कहीं पे भी वो टेम्प्ररी सेट में होते होंगे, कहीं पे भी रेस्ट सेट में होते होंगे, उन लोगों को इवैक्यूएट करके नज़दीकी होटल या फिर कोई सेफ प्लेस में उनको इवैक्यूएट करके रखा गया है। और पोर्ट में जो हाइट मशीनरीज हैं, जो बूम है, जो क्रेन है, उस सबको बूम डाउन करके, क्रेन का लीवर डाउन करके रखा गया है, और उनको अच्छी तरह से टाई अप करके रखा गया है, ताकि वो कुछ मतलब कुछ क्षति ना हो। जी जी। और इसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट के लिए कुछ का? रिजर्व फॉरेस्ट के लिए फिलहाल तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल बैरियर है साइक्लोन को। अभी साइक्लोन ये विलेज एरिया में, अर्बन एरिया में घुस इसलिए जाता है कि जो पहले हमारे जितना भी कोस्टल एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट, मैनग्रोव का जो फॉरेस्ट था, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। यही दिक्कत है। अभी क्या है कि हमें वो जो धामरा और भीतरकनिका, ये दोनों के बीच बहुत मैनग्रोव आइलैंड, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, तो ये जो साइक्लोन है वो वहाँ जाके टकराएगा, ऐसा पूर्वानुमान किया जा रहा था। मौसम विभाग से ये पूर्वानुमान किया जा रहा था, तो अभी लग रहा है कि वो वहाँ पे उसका हिट करेगा, और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट विंड स्पीड को 15 से 20% कम कर देगा।